सुंदर बाला शचि दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला शचि दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। भाल चंदन तिलक मनोहर, भाल चंदन तिलक मनोहर, अलका शोभिक पोलन में, अलका शोभिक पोलन में। सुंदर बाला शचि दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में, नाचत श्री हरि कीर्तन में। शीरे चूड़ा दर्शि बाले, शीरे चूड़ा दर्शि बाले, वन फूल माला ही अपर डोले, वन फूल माला अपर डोले। पहिरन पीत पीतांबर शोभे, पहिरन पीत पीतांबर शोभे, नूपुर रुण झुण चरणों में, नूपुर रुण झुण चरणों में। सुंदर बाला शचि दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला शचि दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। राधा कृष्ण एक तनु है, राधा कृष्ण एक तनु है, निधुवन माझे बंशी बजावे, निधुवन माझे बंशी बजावे। विश्व रूप की प्रभु जी सोहे, विश्व रूप की प्रभु जी सोहे, आवत प्रकट ही नदिया में, आवत प्रकट ही नदिया में। सुंदर बाला शचि दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला शचि दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। कोई गावत है राधा कृष्ण नाम, कोई गावत है राधा कृष्ण नाम, कोई गावत है हरि गुण गान, कोई गावत है हरि गुण गान। मंगल तान मृदंग रसाला, मंगल तान मृदंग रसाला, बाजत है कोई रंगन में, बाजत है कोई रंगन में। सुंदर बाला शचि दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला शचि दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। भाले चंदन तिलक मनोहर, भाले चंदन तिलक मनोहर, अलका शोभे कपोलन में, अलका शोभे कपोलन में। सुंदर बाला शचि दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में, नाचत श्री हरि कीर्तन में, नाचत श्री हरि
कीर्तन में नाचत श्री हरि कीर्तन में नाचत श्री हरि कीर्तन में नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि नाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वंदे अहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्री रूपं साग्र जातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। जयताम सुरतो भंगो मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्बुजो राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो हम श्रीमद् भागवत की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भगवत गीता के अंदर सभी योग सभी बातें हैं, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, सांख्य योग है और लास्ट में भक्ति योग है। लेकिन यहाँ पे तो ये तो पूरा श्रीमद् भागवत जो है वो पूरा सिर्फ और सिर्फ भक्ति का राजमार्ग है। यहाँ ना कर्म की बात है, ना ध्यान की बात है, ना कोई और कोई चीज की बात नहीं। यह सिर्फ भक्तों और भक्तों के चरित्र के ऊपर बात है। और भक्त और भगवान के बीच में कैसे संबंध हुआ उसकी बात है। तो आइए आज हम बार महाजन के अंतर्गत भीष्मदेव जो बाण शैया पे सोकर भगवान का इंतजार कर रहे थे और महाभारत के युद्ध के बाद में युधिष्ठिर महाराज से बात कर रहे हैं, तो हम अभी श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो सुनेंगे वो वचन है भीष्मदेव का और कह रहे हैं युधिष्ठिर जी को महाभारत के युद्ध के बाद। पहले मैं आज का श्लोक लेने से पहले दो तीन श्लोक का पहले से रिकैप करूंगा ताकि हमें पता चले कि वो क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम अभी हम 21वां श्लोक पे चर्चा करने वाले हैं 1921। उससे पहले हम 17 से उसका अनुवाद पढ़ के फिर 21 से आगे चलेंगे। हरे कृष्ण। अतएव हे भरत वंश, हे भरत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूं कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासन अध्यक्ष हो, अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। तो भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि जो अभी आपको उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय, इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि आपको धृतराष्ट्र और गांधारी की भी देखभाल करनी होगी। ये कृष्ण, ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। तो भगवान का बाह्य रूप और आंतरिक रूप दोनों के बारे में बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है, लेकिन साथ साथ ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। हे राजन, अभी हे राजन कहते हैं, मतलब युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, हे राजन, शिवजी, देवर्षि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। कौन कौन? शिवजी, देवर्षि नारद, भगवान के अवतार कपिल देव और पीछे आ गया व्यास देव स्वयं।
और आगे बताता है, हे राजन तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभेशी, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में युधिष्ठिर को जानकारी दे रहे हैं कि ये आपका जो बाह्य जो रिश्ता दिखता है वो नहीं है, ये तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, ये अनादिर आदिर गोविंद है, श्री कृष्ण है। तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया महाजनो ये न गतस्य पंथा, धर्म का तत्व बहुत गहरा है, इसलिए महाजनो ये न गतस्य पंथा, इसलिए महाजनों के चरण कमलों को अनुसरण करके हमें रास्ता चुनना चाहिए। और यहाँ पे भीष्म देव जो महाजन है उनके अनुसरण, उनके आदेश के अनुसार भी हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। आइए आगे आज का श्लोक देखते हैं। सर्वात्मनः समद्रशो य अद्वय यस्य नहं कृते, सर्वात्मनः समद्रशो य अद्वय यस्य नहं कृते, तत्कृतं मति वैषम्यं निरवद्यस्य न कच्चित्। सर्वात्मनः समद्रशो य अद्वय यस्य अहं कृते, तत्कृतं मति वैषम्यं निरवद्यस्य न कश्चित्। सर्वात्मनः समद्रशो य अद्वय यस्य अहं कृते, तत्कृतं मति वैषम्यं निरवद्यस्य न कश्चित्। अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जाए। अनुवाद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं, वे सबों पर समान रूप से दयालु हैं और भेद अभेद के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतएव वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है, वे समदर्शी हैं। फिर से मैं ये अनुवाद पढ़ रहा हूं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान है, परमात्मा के रूप में हरेक के हृदय में विद्यमान है। ये कौन जानकारी दे रहा है? भीष्म देव दे रहा है युधिष्ठिर महाराज को। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान है, वे सबों पर समान रूप से दयालु, सबों पर समान रूप से दयालु और भेदाभेद के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त है, भेदाभेद के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त है। अतएव वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है, अतएव वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है, वे समदर्शी हैं। भगवान श्री कृष्ण समदर्शी हैं। तो तात्पर्य में देखते हैं, ये बात जो है आज का श्लोक की जो अनुवाद जो कह रहा है कि भगवान समदर्शी है, इसके बारे में भगवत गीता के अंदर भी काफी चर्चाएं हुई हैं, तो हम सब बाद में लेंगे। पहले प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। चूंकि वे परम पूर्ण हैं, अतएव उनसे कुछ भी भिन्न नहीं है, वे कैवल्य है, कैवल्य ओनली ओमनीपोटेंट, उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। शून्यायितम जगत सर्वम गोविंदा विरहे नमे, प्रत्येक वस्तु तथा हर कोई व्यक्ति उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है। प्रभुपाद जी के ये वाक्य को बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। प्रत्येक वस्तु यानी जड़ पदार्थ भी, प्रत्येक वस्तु तथा हर कोई यानी कि सभी जीवित पदार्थ, चर और अचर दोनों, प्रत्येक वस्तु तथा हर कोई व्यक्ति उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है, भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति है। और इस प्रकार अपनी शक्ति के द्वारा
वे सर्वत्र उपस्थित हैं। इस प्रकार अपनी शक्ति के द्वारा वे सर्व जगह उपस्थित हैं, सर्वत्र उपस्थित हैं। और अज्ञानतावश हम कहते हैं इस जगत के अंदर कि मैं ये कर रहा हूं, मेरा नाम फेमस होना चाहिए, मैंने ये कार्य किया, मैं मुझे ये करना चाहिए, मैं ये कर रहा हूं, मेरी ताकत से, मेरी बुद्धि से ये कार्य हुआ, ये सब जो है अज्ञानता की पराकाष्ठा है। सबसे बड़ी अज्ञानता यही है कि मैं शरीर हूं, लेकिन ये सब शरीर के साथ जुड़ा हुआ अज्ञानता है। ओरिजिनल जो है वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जैसे कि एक दिन अपना ये माइक बोलने लगे कि मैं बोल रहा हूं श्रीमद् भागवत, लेकिन माइक तो नहीं बोल रहा है, माइक के पीछे कोई प्रभुपाद जी के शिष्यगण, गुरु महाराज के शिष्यगण है, या तो प्रभुपाद जी स्वयं है, या तो गुरु महाराज स्वयं है, या तो सुखदेव गोस्वामी है, या तो सुत गोस्वामी है, या तो भीष्मदेव जी है, लेकिन माइक नहीं बोल रहा है, माइक का उपयोग हो रहा है। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। इस जगत के अंदर अगर हमें समदर्शी बनना है तो हमें ये समझना चाहिए कि एवरीथिंग इज एग्जिस्ट, सभी कुछ जो विद्यमान है ये सभी भगवान की अभिव्यक्ति है। और जब सभी भगवान की अभिव्यक्ति है तो मेरा कोई द्वेष ही नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है, सभी भगवान के अंश हैं। जैसे कि कहते हैं कि शुद्ध भक्त जो है सभी में भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान के अंदर सभी का दर्शन करते हैं। इसलिए वो दृष्टि की बात प्रभुपाद जी इस वाक्य में दोहरा रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु तथा हर कोई व्यक्ति उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है और इस प्रकार अपनी शक्ति के द्वारा वे सर्वत्र उपस्थित है। भगवान अपनी शक्ति के द्वारा, तो ममे वांछो जीव लोके, ये जीव या आत्मा या परमात्मा ये भी भगवान के अंश होने के नाते भगवान की शक्ति है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन में कितनी ज्यादा है, लेकिन हमारे घर में एक लाइट का बल्ब चलता है तो लाइट का बल्ब बोलेगा कि मैं स्वयं प्रकाशित हूं, तो ये बल्ब लाइट का बल्ब की अज्ञानता होगी। लेकिन वो जो पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी का कुछ अंश आया, वो शक्ति आई, वो शक्ति से लाइट का बल्ब जलता है, वो शक्ति से ऊपर पंखा फैन घूमता है। लेकिन पंखा स्वयं चाहे कितने भी कीमत का ले लो, लेकिन जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वो नहीं चलता, जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वो बल्ब नहीं चलता। तो भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति है, तो भगवान अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति के द्वारा सब जगह विद्यमान है, क्योंकि वे उससे अभिन्न है, क्योंकि वे उससे अभिन्न है। क्वालिटेटिवली एक है और क्वांटिटेटिवली डिफरेंट है। सोना और सोने का गहना, दोनों के अंतर क्या है कि सोने का बिस्किट भी सोना है और सोने के गहने भी सोना है, लेकिन सोने के गहना उसका अंश बनकर उसकी अपनी आइडेंटिटी बना लेता है कि मैं ये सोने का हार बन गया, तो वो हार है, वो आर्टिफिशियल इम्पोजिशन है, लेकिन ओरिजिनल तत्व क्या है, वो सोना है। ठीक वैसे ही हम सब भगवान के अंश है, क्वालिटेटिवली भगवान के साथ एक है लेकिन क्वांटिटेटिवली अलग है। अचिंत्य भेद अभेद तत्व भगवान के बारे में बताया, क्योंकि वे उससे अभिन्न है। सूर्य की पहचान सूर्य की किरणों के प्रत्येक इंच से तथा किरणों के प्रत्येक सूक्ष्म कण से की जाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश घर में आ जाता है तो हम जान लेते हैं कि पूर्व दिशा में सूर्य प्रागट्य हो चुका है। तो सूर्य की किरण सूर्य की अभिव्यक्ति है, वो दिखाता है, वो कोरिलेट करता है कि ये प्रकाश से मालूम हो गया कि अभी बाहर अंधेरा नहीं है, अभी सूर्य बाहर आ गया है। तो जो सूर्य देवता का किरण भी सूर्य की शक्ति की अभिव्यक्ति है।
रूपा जी बहुत एनालिटिकली समझा रहे हैं कि भगवान का दर्शन कैसे किया जाए, भगवान कहाँ कहाँ है, और जो हर एक परिस्थिति में भगवान की उपलक्ष्य भगवान की उपस्थिति को जो देख सकता है वो यथार्थ देखता है, तो इसके लिए वो व्यक्ति शांत हो जाता है, वो प्रशांत हो जाता है, शांत होने के बाद प्रशांत हो जाता है। शांत का मतलब है उसको मालूम है कि सभी कुछ भगवान या भगवान की शक्ति के द्वारा चल रहा है। प्रकृति क्रियमाणानी गुणे कर्माणी सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, ये सभी लोग जान भगवान ने गीता में कहा है, लेकिन साथ साथ कर्ता हम इति मन्यते, तो ये हमारी अज्ञानता होगी। इसी प्रकार भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा सर्वत्र फैले हुए हैं, वे परमात्मा है और परम निर्देशक के रूप में सबों में उपस्थित, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। जैसे गीता में बताया भगवान के एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, एक भोग कर रहा है दूसरा देख रहा है, तो जो देख रहा है वो भी भगवान का अभिव्यक्ति है और जो खा रहा है वो भी भगवान का अंश है, लेकिन भगवान उपद्रष्टा बनकर देख रहा है, उसका उसके कार्यों को विटनेस कर रहा है। हाँ, आगे अतएव वे पहले से ही समस्त जीवों के सारथी तथा उपदेशक मंत्री हैं, पहले से ही सभी जीवों के सारथी और उपदेशक मंत्री, जो युधिष्ठिर महाराज के बाजू में खड़े हैं वो भगवान उसके ममेरे भाई नहीं है, सिर्फ ममेरे भाई नहीं है, इसके अलावा वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है जो सबके हृदय में विद्यमान है, जिसकी वो अकल्पनीय है, जिसकी इच्छा से सब कार्य हो रहा है। तो हमारी इच्छा भगवान की इच्छा में मिलाने से हम शांत हो जाते हैं, और ये आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं है, ये हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन है। जीवेर स्वरूप है नित्यर कृष्णदास, तो जीव जब भगवान का अंश होने के नाते भगवान के साथ अपना अधिपत्य मतलब अपनी शरणागति स्वीकार कर लेता और अपनी जो भी इच्छाएं हैं जो भी घटना वर्तमान परिस्थिति है उसमें विचलित नहीं होता बल्कि उसमें शांत रहता है, तो वो बार बार शांत रहने से धीरे 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 इसके अंदर प्रशांत का गुण आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि प्रभु मेरे बाह्य रूप से क्या लीला कर रहे हैं और आंतरिक रूप से क्या लीला कर रहे हैं, और इसका अनुभव अभी भीष्मदेव कर रहे हैं। अंतर बहिर अवस्थितम, इस प्रकार भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा सर्वत्र फैले हुए, वे परमात्मा है और परम निर्देशक के रूप में सबों में उपस्थित है, अतएव वे पहले से ही समस्त जीवों के सारथी तथा उपदेशक मंत्री है, समस्त जीवों के सारथी और उपदेशक मंत्री। यहां पे मैं थोड़ा रुकूंगा। भक्ति में ऐसी शक्ति है कि जिसके द्वारा ऐसे अकल्पनीय भगवान जो बाह्य रूप से रिश्तों में वृष्णि वंश में दिखते हैं और आंतरिक रूप से वो परमात्मा या भगवान स्वयं है, ये दो ये अभिव्यक्ति जो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है ये और कोई चीज से नाता नहीं है, उनका नाता सिर्फ और सिर्फ भक्ति से है। और भक्ति में क्या है? भक्ति से भगवान अपने आप को समर्पित कर देते हैं, किसको? अपने भक्त को। भक्ति से भगवान अपने भक्त को समर्पित कर देते हैं। जैसे महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, भीष्मदेव तो बाण शैया पर एक बाजू में लेटे हुए हैं, लेकिन भगवान भीष्मदेव को ढूंढते ढूंढते उनके पास आ गए। क्यों? भले भीष्मदेव ने अधर्म का साथ दिया और उसका कर्म फल वो बाण शैया में भोग रहे, लेकिन फिर भी वो भक्त है, इसलिए भगवान समभाव रखते हैं और समभाव की दृष्टि से तुरंत भीष्मदेव के पास आ पहुंचे कि भीष्मदेव क्या चाहते हैं, भगवान के भक्त क्या चाहते हैं, भगवान वो कार्य करते हैं।
अर्जुन के लिए वो सारथी बन गए, अर्जुन के लिए वो सारथी बन गए। तो जब जीव अपना शिष्यत्व ग्रहण करता है, शिष्यत्व का मतलब है करिष्ये वचनम तव, जब करिष्ये वचनम तव आ जाता है तब भगवान अपने आप को समर्पित कर देते हैं, हम जैसे चाहते हैं वैसे भगवान हमारी मदद के लिए तैयार है। लेकिन याद रहे कि ये मदद कोई स्वार्थ या लोभ के अंतर्गत ना होनी चाहिए, ये मदद जीवों के कल्याण के लिए या भगवान की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम अपने स्वार्थ और लोभ के लिए भगवान के पास जाते हैं, और स्वार्थ और लोभ के लिए भगवान के पास जाते हैं इसलिए भगवान दूर चले जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। अतएव जब वे अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं तो उनके उच्च स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे वो सारथी बन गए, अर्जुन के नौकर बन गए, अर्जुन के एम्प्लॉई बन गए, अर्जुन कहेगा वैसा रथ चलेगा, लेकिन फिर भी वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, चाहे वो यशोदा मैया का कान्हा क्यों ना हो लेकिन वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, चाहे वो कंस को मारते हैं, चाहे वो यशोदा मैया का पुत्र है, चाहे वो नंद महाराज का पुत्र है, चाहे वो गोपीजन कृष्ण है, चाहे वो अर्जुन के युद्ध मैदान में मधुसूदन कृष्ण है, चाहे वो भक्त के लिए कान्हा है, कन्हैया है, हर परिस्थिति में बाह्य रूप से वो कोई भी रिश्ते हो लेकिन साथ साथ वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। तो उनके उच्च स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। कई बार बोलते हैं भौतिक जगत में अज्ञानी जन कहते हैं कि ये भगवान का अवतार है, वो भगवान हो गया, वो ये भगवान का अवतार है। भगवान का अवतार पृथ्वी पर आने के बाद कभी नहीं बनता, भगवान का अवतार पृथ्वी पर आने से पहले से मौजूद है। जैसे देवकी माता के पास भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए थे और देवकी माता के आदेश पर उन्होंने बाल कृष्ण का रूप धरा था, तो भगवान जो है वो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है लेकिन भक्त के कहने पर वो लीला में प्रवेश करते हैं। दूसरी बात, एक्चुअली देवकी के पास बाल कृष्ण के रूप में प्रवेश किया ऐसा हमें दिखाई देता है, लेकिन देवकी माता स्वयं कौन है, वो भी भगवान की अंश है, और यशोदा मैया कौन है, वो भी भगवान की अंश है, वो भूमि देवी का रूप है, लेकिन भगवान स्वयं लीला करने के लिए भक्तों के मुंह बुलवाते हैं। जैसे राय रामानंद बोल रहे थे और चैतन्य महाप्रभु सुन रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को बुलवा रहे थे। और अभी गीता के अंदर भी देखिए तो अर्जुन के प्रश्न, हमें अर्जुन के प्रश्न दिखाई देते हैं लेकिन भगवान स्वयं अर्जुन के मुंह से ऐसे आप प्रश्न करवाते हैं। तो यहाँ पे भगवान स्वयं खड़े हैं भीष्मदेव के सामने और वो युधिष्ठिर महाराज को ये बता रहे हैं, लेकिन भगवान स्वयं भीष्मदेव के द्वारा बुलवा रहे हैं। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा अपने भक्त के द्वारा बुलवा रहे हैं, अपने भक्त की सारथी बन गए हैं, लेकिन भक्त जैसा कहेगा वैसा भगवान करेंगे, लेकिन भगवान ये भी निश्चित करेंगे कि जब भक्त कहता है, जब वो निर्मल स्तर पर होता है तब उनकी इच्छा पूरी करना मेरा कार्य होगा, लेकिन जैसे ही वो स्वार्थ और लोभ के अंतर्गत आ गया तो उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। तो समत्व का जो आश्रय है वो बहुत कीमती है। समत्व में हम दर्शन रहेंगे तो कभी भी टेंशन में नहीं रहेंगे। जैसे रबर बैंड होता है तो रबर बैंड बहुत कुछ चीजों को अंदर डाल के पकड़ के रखता है। रबर बैंड जो स्त्रियां अपने बालों में डालती है, ये रबर बैंड पैसों की नोट भी पकड़ के रखता है। ये रबर बैंड अपने आप में टेंशन में रहता है लेकिन सभी कुछ पकड़ के रहता है, लेकिन वही रबर बैंड सभी कुछ पकड़ा हुआ छोड़ देगा तो उसका टेंशन चला जाएगा, वो अपनी नेचुरल स्थिति में नॉर्मल हो जाएगा।
तो जब हम बाह्य भौतिक जगत के ऊपर आधिपत्य जमाने की हमारी वृत्ति खत्म हो जाएगी, लॉर्ड इट ओवर ऑन मटेरियल नेचर, जब हम भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की हमारी वृत्ति, हमारी मानसिकता चली जाएगी, तब हम शांत हो जाएंगे। तो ये कैसे हो सकती है? तो इसके लिए भगवान स्वयं आकर भक्तों के मुंह से ये प्रमाण दिलवा रहे हैं कि भगवान कैसे सब जगह मौजूद हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। अतएव जब वे अर्जुन के साथी के रूप में वे स्वयं प्रकट होते हैं तो उनके उच्च स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। यह तो भक्तिमय सेवा की शक्ति है जो उन्हें सारथी या दूत के रूप में प्रदर्शित करती है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यह तो भक्तिमय सेवा की शक्ति है जो उन्हें सारथी या दूत के रूप में प्रदर्शित करती है। तो वो भक्तिमय सेवा क्या है? जो भक्तिमय सेवा है वो भगवान की अंतरंग शक्ति का हिस्सा है। भक्ति हमें कौन देती है? भगवान की अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी देती है। तो अंतरंग शक्ति का हिस्सा होने के नाते वो भक्ति से भगवान अपने आप को समर्पित कर देते हैं। भगवान भक्तवत्सल है। भक्तवत्सल क्यों है? क्योंकि भक्त के पास भक्ति छुपी हुई है। और भक्ति क्या है? भगवान की आह्लादिनी शक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो भगवान भगवान की शक्ति के साथ, जैसे लाइट का बल्ब प्रज्वलित होता है लेकिन उसके उसका कनेक्शन किसके साथ है? कि इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन के साथ, तभी वो प्रज्वलित हो सकता है। हम इस जगत के अंदर 70 साल 80 साल की उम्र में तभी जिंदा रह सकते हैं जब भगवान की शक्ति हमारे अंदर है। और हम लाइट के बल्ब की तरह ये शरीर में 70-80 साल का स्टेशन बिताते हुए हमारी आत्मा की यात्रा हमारे कर्मों के अनुसार आगे चलती रहती है। इस चीजों को हमें बहुत एनालिटिकली समझना चाहिए। ये समझने से क्या होगा कि हम समत्व में धीरे 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 हमारी मानसिकता समत्व की ओर जाएगी। हम कोई भी परिस्थिति को हासिल करने से पफ्ड अप नहीं हो जाएंगे, अछक नहीं जाएंगे, और कोई भी परिस्थिति में, दुख की परिस्थिति में हम हार नहीं जाएंगे। ये हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखेगा और इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही भगवान का वास है। यह तो भक्तिमय सेवा की शक्ति है जो उन्हें सारथी या दूत के रूप में प्रदर्शित करती है, क्योंकि जीवन की भौतिक अवधारणा से उनका कोई सरोकार नहीं होता। क्योंकि जीवन की भौतिक अवधारणा से उनका कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि वे परम आध्यात्मिक सत्ता है। भगवान परम आध्यात्मिक सत्ता है, उनको भौतिक चीजों से कोई लेना देना नहीं है। अतएव उनके लिए कोई कर्म न तो उत्कृष्ट है न निकृष्ट। जब भगवान भौतिक जगत की कोई भी परिस्थिति से लेना देना नहीं रखते तो वो कर्म करते ही नहीं, उसके लिए उनका कोई कर्म उत्कृष्ट या निकृष्ट है ही नहीं। तो क्या है? तो भगवान करते हैं वो लीला है। लीला और कर्म में क्या अंतर है? तो लीला जो है लोक हितकारिणों के लिए की जाती है, लीला जो है समत्व में की जाती है, लीला जो है पूर्णता का प्रतीक है। लेकिन कर्म जो है, कर्म बंधन उत्पन्न होता है। अगर कर्म कृष्ण के लिए नहीं किया तो वो कर्म बंधन उत्पन्न करता है। अगर वो कर्म कृष्ण के लिए करते हैं तो वो भक्ति हो जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण उन्हें मिथ्या अहंकार नहीं होता। जब कोई भी चीज परिपक्वता आती है तो वो नम्र बनाती है। भगवान पूर्ण परिपक्व है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, इसलिए उनके अंदर जो नम्रता है, इसीलिए भगवान गीता में भी कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, मैं हरेक के हृदय में विद्यमान हूं, चाहे वो पापी हो, टेररिस्ट हो, कसाई हो, चांडाल हो, भक्त हो, सभी के लिए भगवान समता नहीं छोड़ते। भगवान के लिए एक बॉटम लाइन है समता का गुण। उनकी उनमें अहंकार का भाव संतुलित रहता है, सॉरी
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण उन्हें मिथ्या अहंकार नहीं होता, अतएव वे अपने को किसी वस्तु से भिन्न नहीं मानते, अपने को किसी वस्तु से भिन्न नहीं मानते। लेकिन हम ये इमिटेट या अनुकरण नहीं कर सकते। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम शरीर से भिन्न है, लेकिन भगवान अपने शरीर से भिन्न नहीं है। उनमें अहंकार का भाव संतुलित रहता है, अतएव वे अपने शुद्ध भक्त के साथी बनकर अपने को निष्कृत नहीं मानते। कई बार बड़ा बड़ा आदमी कोई छोटी सेवा कर लेता है तो वो अपने आप को निष्कृष्ट नहीं मानते। जैसे कि यहाँ पे भगवान सारथी बन गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान अर्जुन के एम्प्लॉई बन गए। जैसे भारत में शुरू शुरू में सफाई का अभियान चला था, तो कभी कभी ऐसा दिखाई देता था कि भारत के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी रोड पे झाड़ू मारते, तो वो झाड़ू मारने वाला चपरासी नहीं बन गए। वो बड़ा प्रधान अपनी जगह में है, लेकिन अपनी आचारी जो आचार्य है वो आचरण से दिखाता है। वैसे मोदी जो नरेंद्र मोदी थे वो आचरण से, वो खैर वो तो पॉलिटिकल है, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आचरण से दिखाना, एग्जाम्पल, वी हैव टू बी सेल्फ एग्जाम्पलरी, तब हम उपदेश को प्रसारित कर सकते हैं, तब हम उपदेश को एक दूसरों को दे सकते हैं। जब तक हम स्वयं वो चीज नहीं करेंगे, तब तक जैसे माँ बाप बोलते रहते हैं कि बेटा ये करो, बेटा मंदिर जाओ, बेटा भगवान की भक्ति करो, बेटा माला करो, बेटा नहीं सुनता है। लेकिन माँ बाप स्वयं करेगा तो बेटा करने लगेगा। यह तो शुद्ध भक्त की महिमा ही है कि वह अपने प्रिय भगवान से सेवा करा लेता है। वो तो भगवान की महिमा है, कि शुद्ध भक्ति की महिमा है कि वो भगवान से सेवा करवा लेता है। तो आइए हम भगवत गीता के इस कक्षा के अंदर अलग अलग पहलू में समत्व में जो पॉइंट आउट किया है वो दो तीन श्लोक के ऊपर हम समझने की कोशिश करें। गीता का, भगवत गीता का ये श्लोक है 9वां अध्याय का 29। उसमें भगवान कह रहे हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽसि न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु, भगवान अनुवाद पढ़ते हैं, मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं, नहीं किसी के साथ पक्षपात करता हूं। भगवान कभी किसी को पक्षपात नहीं करते। इसको कैसे समझेंगे हम? हमारे जीवन में दुख आता है और फिर भी भगवान कहते हैं कि मैं पक्षपात नहीं करता हूं। किसी को सुख देता है, किसी को धनाढ्य बना देता है, धन का मालिक बना देता है, और किसी को रोड का भिखारी बना देता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं पक्षपात नहीं करता। उसको कैसे समझा जाए? जैसे कि कोर्ट का जज दो पक्षों के झगड़े की बात सुनता है, दोनों की बात सुनता है, फिर न्याय करता है। न्याय करने के बाद एक को रिहा करता है और दूसरे को जेल में भेजता है। तो उसमें जज ने पक्षपात नहीं किया। जज ने क्या किया कि जो कार्य हुआ था उनके द्वारा, अपराध का कार्य हुआ था, तो अपराध की सजा उनको मिल रही है, तो जेल गया वो, और जो जिसने अपराध नहीं किया था तो उनका उनको बेनिफिट मिला, वो रिहा हो गए। तो उसमें जज ने कभी, जो कोर्ट का जज होता है, उसने कभी पक्षपात नहीं किया। ठीक वैसे ही हमारे कर्म के द्वारा हमारे पास सुख दुख की परिस्थिति और धन और निर्धन की परिस्थिति उपस्थित होती है। जब हम रावण की तरह लक्ष्मी को अपनाना चाहेंगे तो हम निर्धन हो सकते हैं, लेकिन अगर हनुमान की तरह हम लक्ष्मी की सेवा करते हैं कि जो नारायण के लिए उपयोग की जाए, तो हमें और धन मिलता रहेगा। तो मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूं, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं, मैं सबों के लिए समभाव हूं। समभाव
ये बिना भक्ति हो नहीं सकती, आगे के श्लोक में हम देखेंगे। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, भक्ति पूर्वक मेरी सेवा, भक्ति के अंदर प्रेम मिला हुआ है, भक्ति के अंदर प्रेम नहीं है तो वो कार्य कहलाएगा, वो कर्मयोग कहलाएगा। लेकिन वो कर्मयोग भक्ति तब बनेगा कि इसके अंदर प्रेम का सिंचन होगा। तो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, वह मेरा मित्र है। भगवान कहता है कि मैं संभव हूं फिर भी वो मेरा मित्र है जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है और मुझ में स्थिर रहता है, यानी कि भगवान उसको कभी भूलते नहीं है। यहाँ पे पांडवों में भी भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे, युधिष्ठिर को छोड़कर अर्जुन को उपदेश दे रहे, क्योंकि भगवान भूले नहीं है। क्यों, क्या नहीं भूले? कि भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, अनादि काल से तेरी जो आत्मा है, तेरा जो अंश है, अर्जुन का अंश है, उसने कभी भी भगवान से ईर्ष्या या द्वेष नहीं किया। जब हम ईर्ष्या या द्वेष नहीं करेंगे तो अर्जुन की तरह भगवान के मित्र बन सकते हैं, भगवान का अटेंशन में हम रह सकते हैं। तो ईर्ष्या और द्वेष ये हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कारण है। इस जगत के अंदर हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे? तो इच्छा और द्वेष जो है, हमें अगर द्वेष करना है तो जो भगवत भक्ति नहीं करता उसके प्रति भी हमें दया भाव रखना है कि भगवान उसको भक्ति कराए। और इच्छा क्या करनी चाहिए कि इच्छा के बिना तो हम रह नहीं सकते, हमारा जीव का स्वरूप ही है, लक्षण ही है कि इच्छा करना। तो इच्छा के बिना नहीं रह सकते, तो वो कौन सी इच्छा करें? तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के भक्तों की प्रसन्नता के लिए, भगवान के भक्तों की सेवा के लिए अगर हमारी इच्छा है तो हमारा स्थान भगवान के अटेंशन में, भगवान के सामने। भगवान कभी हमें भूलकर नहीं जा सकते। अगर हम भगवान या भगवान के भक्तों की सेवा में लगे, अगर हम गुरु के आदेशों के पालन में लगे हैं तो भगवान के अटेंशन से कभी हम अदृश्य नहीं हो सकते। तो भगवान कहते हैं कि जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थिर रहता है और मैं भी उसका मित्र। आखिर में भगवान कह दिया कि मैं भी उसका मित्र हूं, मैं संभाव में हूं लेकिन मैं भी इसका मित्र हूं। आगे और एक श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं देखिए, 12वें अध्याय का 18वां और 19वां श्लोक में भगवान कहते हैं, ये दो वाक्य के अंदर भगवान समता के बारे में बता रहे हैं। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जिता। समः शत्रौ च मित्रे च, समः और समः संग विवर्जिता, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौने संतुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्ति मान मे प्रियो नरः। जो मित्र तथा शत्रुओं के लिए समान है, मित्र और शत्रु के लिए समान, समान यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन, संभव। ऐसा कब हो सकता है? जब हम सभी मित्र और दुश्मन के बीच में शरीर ना देखकर आत्मा को देखेंगे और वो आत्मा भगवान की अंश है। जब ये भाव हमारे अंदर आएगा तो हमको कभी भी किसी भी जीव के प्रति गुस्सा नहीं आएगा, द्वेष नहीं आएगा, ईर्ष्या नहीं आएगा। तो जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, मान क्या है? हम तो भगवान के अंश है, भक्तों का संग करना है, हमें मान किसको लगता है? शरीर को लगता है कि ये शैलेश परिक या सहिष्णु कृष्णदास इंजीनियर है, ये गीता या भागवत प्रीचिंग करता है। लेकिन ये गीता और भागवत वो नहीं प्रीच कर रहा है, आपको लगता है कि ये प्रभु जी प्रीच कर रहे हैं। ये तो हमारी भक्ति की परिपक्वता, भगवान किसी को इंस्ट्रूमेंट बना के बुलवाती है। जैसे भीष्मदेव के पास बुलवा रहे हैं भगवान, वैसे भगवान प्रभुपाद जी के पास बुलवाते हैं तात्पर्य के रूप में, और प्रभुपाद जी और गुरु महाराज के द्वारा ऑथोराइज बना के हमारे जैसे एक निष्कृष्ट व्यक्ति को
एक सामान्य व्यक्ति से भी वो बात बोलवाते हैं। तो जब हम ये चीज को, तत्व को समझ लेंगे कि भगवान की शक्ति के बिना ना मैं बोल सकता हूं ना आप सुन सकते हैं, तो हमारा अहंकार, मिथ्या अहंकार नष्ट हो जाएगा। जो मान तथा अपमान, मान क्या क्या करना है, इस जगत में हम कुछ भी लेकर नहीं आए थे और कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, तो हमारी धन का मद किसको दिखाना है। शीत तथा गर्मी, भगवान ने पहले कह दिया मात्रा स्पर्शास्तु कौनते यो शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइन नित्यम तांति तीक्ष स्व भारत। शीत और गर्मी, सुख और दुख, सुख और दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। जो सुख और दुख की बात भगवान यहाँ कह रहे हैं, ये हमारी मन की परिस्थिति है। तो सुख दुख, यश तथा अपयश, मान या अपमान, यश अपयश में संभाव रहता है। संभाव रहना बहुत आवश्यक है। भक्ति सरलता का प्रतीक है। जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है। दूषित संगति का मतलब है जो भक्तों के बीच भेद को देखता है। भेद नहीं है, भक्त है तो भगवान के इंस्ट्रूमेंट है, भगवान की शक्तियां हैं, भगवान के द्वारा इंगित शक्तियां हैं, भगवान के द्वारा चुने गए वो जीव है, कि जीव के द्वारा भगवान अपना अपना आदेश सर्वत्र फैला रहे हैं या सर्वत्र उसका पोषण कर रहे हैं। जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है। यहां पे सदैव मौन का मतलब ये नहीं है कि अधर्म के सामने मौन रहे। जब भीष्म देव ने अधर्म के सामने मौन रहे तो उनको दंड भोगना पड़ रहा है। तो मौन का मतलब है हम धर्म के लिए अपना मौन रखें, अपना मनोधर्म रजू ना करें। मनोधर्म रजू करना ये भक्ति के विरुद्ध है। मनमना भवो मद भक्तो, वो धर्मी के धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन मनोधर्म भगवान से विपरीत है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मौन रहना है। मौन कैसे रह सकते हैं, हमारी जिह्वा ज्यादा बोल करती है, ज्यादा बकबक करती है, वो जिह्वा को भगवान का प्रसाद खिलाकर और भगवान के नाम की महिमा बुलवाकर जिह्वा को मौन रख सकते हैं। मौन का मतलब है वो मन को अपना ओपिनियन रजू नहीं करना है, बल्कि भगवान का ओपिनियन से जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है उसी में अपने आप को डुबा देना है। सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, किसी भी वस्तु से, क्योंकि हमारी लायकात के अनुसार हमारे साथ वो वस्तु उपस्थित होगी। किसी के पास जन्म के साथ वो भिखारी बन गया, माँ बाप भिखारी है, वो रोड की फुटपाथ में जन्म लिया, और कोई राजा के महल में जन्म लिया, दस दस जन्म की भक्ति सोते सोते उसकी दस जन्म की वंशज बैठ के खा सकते हैं। तो भगवान ने पक्षपात नहीं किया, लेकिन हर एक परिस्थिति में संतुष्टि रखना है। संतुष्टि का मतलब ये है कि मैं भिखारी क्यों बना, मेरे ऐसे कैसे गहरे कर्म थे कि मुझे भिखारी बनना पड़े, और आगे ना भिखारी, मेरी भिखारीपन अगले जन्म में मेरे साथ ना आए, इसलिए मुझे क्या करना है। भिखारी का मतलब ये नहीं है कि हम उसको कुछ धन दे दे, कुछ खाने का दे दे तो हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। हम सब भिखारी हैं, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, भगवान एक देने वाले हैं और सारी दुनिया भिखारी है। और भिखारी का मतलब है भगवान के बारे में जानना, भगवान के प्रेम के बारे को, भगवान के प्रेम को समझना, अपनी परिस्थिति को, अपने आप को जानना, भगवान को जानना, और हमारा और भगवान का प्रेम के रिश्ते तक जानना। ये जानकारी नहीं है तब तक हम भिखारी हैं, और ये जानकारी होने के बाद भी भगवान के पपेट बन जाना। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका जाके जो भजन लिखे थे, उसमें प्रभुपाद जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपका एक कठपुतली हूं, आप जैसे नचाना चाहते हो नचा लो, मैं तो अपने गुरु के आदेश पे आया हूं। और गुरु कौन था, वो तो आपका प्रतिनिधि था, और आपके द्वारा बुलाया गया, उन्होंने आदेश मुझे दिया था,
वो आदेश के अनुसार मैं आया हूं, और आप अभी जैसे कठपुतली नचाओगे वैसे मैं नाचूंगा। तो संभव में ये सरलता होनी चाहिए। संभव कितना भगवान को प्रिय है आपको पता है क्या? भगवान कभी भी बांसुरी अपने पास रखते थे। भगवान ने बांसुरी क्यों चुनी? क्योंकि बांसुरी के अंदर कोई भी मैल नहीं है, बांसुरी अपने आप में खाली है और भगवान को समर्पित है। कैसी समर्पित है? कि वो खाली होने के बाद भी भगवान का रस भरकर भगवान जो भक्तों को बुलाना चाहते हैं, जो गौआ को बुलाना चाहते हैं, जो यमुना जी को रोकना चाहते हैं, ऐसी बंसी का सुर निकालती है। यानी कि बंसी स्वयं नहीं बोलती, जैसी भगवान बुलवाना चाहते हैं वैसी बंसी आवाज करती है। लेकिन बंसी में और एक गुण क्या है? वो सीधी है, सरल है। अगर हमारे अंदर सरलता, हमारी मानसिकता के हाँ प्रभु जी बहुत आप बहुत अच्छे, हरे कृष्ण बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऐसा नहीं सरल चाहिए। सरलता का मतलब है हमारे मन में सरल होना चाहिए, हमारे मन में भेदभाव नहीं आना चाहिए। मन में भेदभाव आते हैं तो हम सरल नहीं है। भेदभाव तब आते हैं जब हम शारीरिक रिश्तों से तोलते हैं। भेदभाव की बात नहीं है, जब भगवान कहते हैं ममे वांछो जीव लोके, तो वहां कोई भौतिक शरीर की बात नहीं की भगवान ने। भगवान ने कहा मेरे अंश, तो हम भगवान के अंश हैं। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए सदैव। संतुष्ट रहना है, शांत रहना है, हमारे बीपी कंट्रोल करना है, हमारी समस्याएं का कम करना है, हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, हमें भगवान का मित्र बनना है। एक साथ कितना कार्य हो जाएगा, लेकिन हम अपना मन की इच्छा रजू करके ये सभी परिस्थितियों से मनुष्य जन्म को से बाहर आ जाते हैं और पशु की तरह वर्तन करते हैं, पशु की तरह, क्योंकि हम ये समभाव में नहीं रहते। इतना सब अमृत भरा है गीता में और भागवत में, लेकिन हमारा मिथ्या अहंकार हमें इस परिस्थिति से बाहर फेंक देता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि में चले जाते हैं, तो इससे बाहर आने के लिए हमें ये सीखना होगा। पर यह मनुष्य जन्म में ही सीखा जाएगा। कल जाके हम पशु बन गए तो नहीं सीखना मिलेगा, कल जाके हम देवता बन गए तो अभी ये सीखना शायद ना मिले। लेकिन जब हम मनुष्य योनि में हैं, जब भगवान ने गुरु बोनाफाइड गुरु भेजे हैं, बोनाफाइड भक्तों का संग भेजा है प्रभुपाद जी ने, तो ऐसी अवस्था में श्रीमद भागवत कृष्ण के रूप में हमारे सामने स्वयं खड़ा है, भगवान की वाणी स्वयं अपने स्वरूप में खड़ी है। और ऐसी परिस्थिति में भी अगर हम नहीं समझे तो इससे बड़ा मूर्ख या दुर्दशा किसकी होगी। जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे और समत्व का एग्जाम्पल भगवान ने गीता में दिया है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। भक्ति की एबीसीडी शुरू करनी है वास्तव में, मानसिक नहीं कि मैं भक्त हूं, ऐसा नहीं, मैंने दीक्षा ली है मैं भक्त बन गया, ऐसा नहीं। वास्तव में भक्ति की शुरुआत कैसे होती है वो भगवान अपने मुख से बता रहे हैं। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु। अगेन वो शब्द आ गया समः, समत्व, संभाव, ये शब्द यहां पे आ गया। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। अगर भगवान की भक्ति, परम भक्ति प्राप्त करनी है तो हमारे अंदर संभाव आना आवश्यक है। हम जो भक्ति करते हैं मिश्र भक्ति करते हैं, मिश्र भक्ति। जितनी बार हम भक्तों को आदर देते हैं, जितनी बार हम हमारा कोई द्वेष और शत्रु मन में प्रवेश नहीं कर जाता रजोगुण या तमोगुण के द्वारा, तब तक हम संभाव में रहते हैं, तब तक हमारे अंदर कुछ क्षण के लिए भक्ति आ जाती है। फिर जैसा भेद दिखता है, जैसा एनालिसिस दिखता है, वर्तमान परिस्थिति में अपनी बुद्धि को बीच में लेकर आते हैं, तब उसी समय
हाँ हमारी भक्ति वापस अदृश्य हो जाती। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। न शोचती का अर्थ है कि सोचना बंद नहीं कर सकते, लेकिन न शोचती का अर्थ है भगवान के बारे में सोचना। इसका अनुवाद भी पढ़ते हैं, इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है, शांत से प्रशांत हो जाएंगे तो प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है, न शोक करता है न लेमेंटिंग न हैंकरिंग। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है, वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, उस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो भगवान संभाव के लिए बार बार गीता में भी पुकार रहे हैं, और जब तक संभाव नहीं है तो शुद्ध भक्ति तो बहुत दूर की बात है। जैसे बांसुरी भगवान को अति प्रिय है, इसीलिए प्रिय है कि न शोचती न कांक्षती। बांसुरी भगवान को इसीलिए प्रिय है कि वो अपना मत रजू नहीं करती, जैसा भगवान बजाना चाहे, जैसा सुर जैसा रस भगवान देना चाहे वैसा रस का भाव करती है। हमारे गुरुजन भी क्या है, जैसे भगवान का डाकिया बन गए हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे भगवान जीवों को उपदेश पहुंचाना चाहते हैं वैसे यथारूप में मैं ये उपदेश सबको पहुंचा रहा हूं। तो इस श्रीमद् भागवत की कक्षा से हम समझ सकते हैं कि समत्व कितना जरूरी है, सरलता कितनी जरूरी है। बिना सरलता हम भक्ति नहीं कर सकेंगे। अगर सरलता हम भक्ति करना चाहें तो करेंगे, भक्ति में आएंगे, लेकिन सरलता अगर हमारे मानसिकता में नहीं प्रवेश करेगी तो भक्ति में टिकना बहुत दुर्लभ हो जाए। भगवान की कृपा से भगवान भक्त को संभालते हैं वो अलग बात है, लेकिन फिर भी कहीं हमारे अंदर क्या बोलते हैं कैलामिटीज आ सकती है। वो कैलामिटीज क्या है, भगवान भक्त के जीवन में भी बहुत कुछ कैलामिटीज देते हैं, लेकिन कैलामिटीज दो तरह की होती है। एक हमारे कर्मों के द्वारा भेजी जाती है, वो परवश होकर हमें वो कैलामिटीज में हम गुजर रहे हैं जो हमारे कर्म का फल कर्म फल लेकर आई है। कैलामिटीज मतलब समस्याएं। अच्छा हमारे जीवन में समस्याएं बहुत आती है, भक्त के जीवन में भी समस्याएं आती है और कर्मी के जीवन में भी समस्याएं आती है, लेकिन ये समस्या में अंतर है। क्या अंतर है, कुछ समस्या ऐसी है हमारे कर्म कर्म फल के रूप में हमारे सामने प्रकट हुई है, और कुछ जो हमारी भक्ति में जब तक हम संभाव में स्थित नहीं है, जब तक हम सही दिशा में भगवान या गुरु के आदेशों में स्थित नहीं है, तब भगवान हमारे सामने विपरीत परिस्थिति लेकर आते हैं। क्यों, क्योंकि वो भक्त कभी भक्त को छोड़ना नहीं चाहते, भक्त को प्रेम करते हैं इसलिए उसको सुधारना चाहते हैं। इसलिए भक्ति में भी कभी कभी दुख दिखाई देता है, चाहे कुंती माता हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे युधिष्ठिर हो, चाहे सुदामा जी हो, चाहे नरसिंह मेहता हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद हो, तो उनको प्रभुपाद जी भगवान सुधार नहीं रहे थे, उनको कोई समस्या नहीं लग रही थी, सभी समस्या भगवान की दी हुई वो कठपुतली मानकर निभा रहे थे। लेकिन अरे बाप रे, मेरे मुझे कोई लेने वाला नहीं है, मैं क्या करूंगा अमेरिका जाके, ऐसी समस्याओं का मतलब है हमें भगवान पर विश्वास नहीं है। लेकिन भगवान प्रभुपाद जी भगवान के भक्त थे, वो कहते थे भगवान जैसा नचाना चाहेंगे मैं नाच लूंगा, भगवान जो जीव को सुधारना चाहे मैं इंस्ट्रूमेंट बन जाऊंगा। जैसे एक मशीन के अंदर एक पुर्जा होता है, एक स्क्रू होता है, स्क्रू से सभी पुर्जा जुड़ा हुआ रहता है और जुड़ा हुआ रहने के बाद मशीन ठीक से चलता है, लेकिन वो मशीन चलता है उसके अंदर का पुर्जा बोलेगा मैं मशीन चलाता हूं, तो ये अज्ञानता होगी। पुर्जा चलाने की शक्ति तो बिजली में है, लेकिन मैं अपनी ओरिजिनल स्थिति में स्थित हूं इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मशीन चल रहा है,
मैं अपनी जीवेर स्वरूप होए नित्यर कृष्णदास, मैं जब भगवान की सेवा में कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी बंधारणीय अवस्था में मैं जब स्थित हूं तो सभी कुछ नेचुरल कार्य होने लगेंगे, चाहे मैं इस भौतिक जगत में रहूं, चाहे मैं आध्यात्मिक जगत में रहूं, चाहे नरक में भी रहें। इसीलिए गोपिया को कोई डर नहीं था कि मैं अपनी चरण धूली भगवान के मस्तिष्क पर चढ़ाऊं, मुझे नरक में जाना पड़े तो भले भगवान की इच्छा, लेकिन कोई भी जगह भगवान से के बिना खाली नहीं है, कोई भी जगह जगह के रूप में भी बन नहीं सकती जहां पे भगवान की उपस्थिति ना हो। तो वो सर्वत्र भगवान का दर्शन करते, भगवान का शुद्ध भक्त सभी चीज के अंदर भगवान की उपस्थिति को देखते हैं, समता को देखते हैं। तो भक्त के जीवन में समता लाना बहुत जरूरी है, और वो समता जो भगवान अभी भीष्म देव के मुख से बुलवा रहे युधिष्ठिर के उपदेश के रूप में, भगवान स्वयं उपदेश दे सकते थे लेकिन भगवान भक्तों के द्वारा दिलवा रहे हैं। अगर श्रीमद् भागवत में देखेंगे तो भगवान स्वयं खड़े हैं तो भी भीष्म देव जैसे भक्त के द्वारा अपने भक्त का पोषण कर रहे हैं, भगवान स्वयं नहीं बोल रहे, और भगवान स्वयं किसमें मस्ती ले रहे हैं, अर्जुन का सारथी बनने में। तो ऐसे हैं हमारे भगवान। दुर्योधन को मेवा त्यागो साग विदुर घर पाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान की भक्ति ऐसी है, हमारे अंदर हमारे मन की अंदर निर्मलता होनी चाहिए, हमारे मन के साथ युद्ध करना सीखना चाहिए। अगर मन नहीं मानता तो दुष्ट मन को सुनने का छोड़ दे और साधु गुरु शास्त्र पर समर्पित हो जाओ, अपने आप पहले त्याग दिखेगा फिर वैराग्य आएगा। पहले चैंटिंग करना, दूसरा काम का त्याग करके चैंटिंग करते हैं शुरू में, लेकिन एक समय आने के बाद चैंटिंग हमारा एक वैराग्य के रूप में हो जाता है कि बाकी सब छोड़ो, मुझे पहले चैंटिंग करना है। तो भगवान की भक्ति ऐसी है कि सही दिशा में लेकर जाती है। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न नहीं है? जय गुरुदेव। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव, ऑल ग्लोरीज टू श्रीमद् भागवतम, ऑल ग्लोरीज टू समावेत भक्त वृंद। हरे कृष्ण।